दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कूलर मास्टर वॉट एलीट 450 वॉट पीएसयू का रिव्यू, और अनबॉक्सिंग भी आपको मैं दिखाते रहूँगा बीच बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, और साथ ही में मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों आपको लोकल जो पीएसयूज होते हैं उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या अफेक्ट पड़ सकता है आपके सिस्टम में, और क्या एडवांटेजेस है एक अच्छे ब्रांडेड पीएसयू लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और साथ ही में मैं इसको कंपैरिजन करने वाला हूँ कॉर्सर के 450 वॉट पीएसयू के साथ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, तो और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये जो पीएसयू है ये आता है 450 वॉट का है, और 80 प्लस वाइट रेटिंग के साथ आता है, जो कि हमें एफिशिएंसी की गारंटी देता है कि ये पीएसयू जो है वो एफिशिएंट रहेगा एक मिनिमम लेवल तक। और इसकी एफिशिएंसी 80 प्लस वाइट रेटिंग की है, यानी अच्छा खासा हमें 85% की एफिशिएंसी दे देगा टिपिकल या फुल लोड पे। और भी पीएसयू के अगर मैं रेटिंग के बारे में बात करूँ, जो अगर आपको नहीं पता, तो ब्रोंज भी आता है और गोल्ड रेटिंग भी वाले पीएसयूज भी आते हैं, लेकिन वो नॉर्मल वाइट सीरीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो एक टिपिकल लोड या फुल लोड पे या एक स्पेसिफिक लोड पे बहुत ज़्यादा होती है। और ये पीएसयू में ऐसा क्या खास है, वो ये है कि अब इसके जो न्यू स्टॉक्स है वो ब्लैक केबल्स के साथ आते हैं, ऑल ब्लैक केबल्स प्लस फ्लैट केबल्स। तो यहाँ पे जो आपका पीसी का लुक है वो एकदम क्लीन होने वाला है। और आपको अगर देख रहा हो तो मैं भी 450 वॉट कूलर मास्टर का पीएसयू यूज़ कर रहा हूँ, और इस सब में ब्लैक केबल्स है, सब पूरा ब्लैक केबल्स है। और कहीं से भी जो कॉर्सर के आते हैं, जो एनटेक के आते हैं, उसमें होता है उसमें आपको येल्लो केबल हो गई, ब्लैक हो गई, रेड हो गई, तो ऐसे मिक्स मैच कलर्स वाले देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके जो न्यू स्टॉक्स है वो आने लगे हैं एक फुल ब्लैक केबल्स के साथ में, जो कि बहुत ही प्रीमियम और क्लीन लुक देते हैं। और ये कूलर मास्टर जर्मन कंपनी है, तो और कूलर मास्टर तो फेमस है, इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि क्वालिटी कंपोनेंट्स यहाँ पे अंदर यूज़ किए। जब मैंने इसको अनबॉक्सिंग की और इसके अंदर के पार्ट्स देखे, इसमें हीट सिंक भी लगा है पीएसयू के अंदर, जो लोकल में तो आपको मिलता भी होगा या ना मिलता हो, नहीं मिलता मोस्टली, लेकिन अगर मिल भी रहा है तो भी क्या कर लेगा जब कंपोनेंट्स यहाँ पे घटिया है लोकल में। इसमें आपको एक्टिव पीएफसी देखने को मिल जाता है, पावर फैक्टर करेक्शन, तो अगर कुछ भी वोल्टेज में प्रॉब्लम आएगा तो ये उसको स्टेबलाइज कर देगा, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कंपोनेंट्स आपके जलने फूकने वाले नहीं है। लोकल लोग हैं तो जल फूक सकते भी है, शॉर्ट भी हो सकता है। फिर देखोगे मॉनिटर में आपको ग्राफिक्स कार्ड गया, उसको सही से पावर नहीं मिली और फिर वो लाइंस आने लगती है, तो ये सब लोकल के साथ हो सकता है, लेकिन एक ब्रांडेड के साथ कभी नहीं होता, क्योंकि ब्रांडेड में जो अगर करंट ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो इस ये पीएसयू है, यही सब मास्टर है, जैसा इसका नाम है मास्टर वॉट एलीट, और ये सब चीज़ को संभाल लेगा, कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाला, करंट को स्टेबलाइज कर देगा। अगर कोई रिपलिंग आ रही है ऊपर नीचे बार बार हो तो उसको भी स्टेबलाइज करके आपके कंपोनेंट्स को क्लीन करंट मिलने वाला है, मदरबोर्ड को क्लीन करंट जाएगा, तो कोई इश्यूज यहाँ पे होने नहीं वाले। पावर जो डिलीवरी है वो इस पीएसयू की बहुत ही सही लेवल की है। अनबॉक्सिंग जब मैंने की थी इसकी, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी जो लेते ही पहली बार फील हुई, तो हैवी है पीएसयू, और अंदर कंपोनेंट्स भी काफ़ी अच्छे खासे यूज़ किए, जो दिखता है जो जितना मैंने देख सका उसके हिसाब से, तो भाई बहुत ही हाई लेवल कंपोनेंट्स यूज़ किए। और इसमें आपको पावर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं, अगर आपका पीसी में जो करंट आ रहा है वो सही से नहीं आ रहा है, तो ये जो पावर प्रोटेक्शंस होती है जो आपको पीएसयू में देखने को मिल जाती है, तो इससे ये होता है कि अगर करंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये जो पीएसयू है ये उसको हैंडल कर लेगा। अगर कुछ ज़्यादा ही पीएसयू को लगा, डिटेक्ट होता है कि भाई नहीं, करंट एकदम घटिया आ रहा है या एकदम ढंग से नहीं आ रहा, तो ये पावर कट कर देगा, तो आपका पीसी बंद हो जाएगा। लेकिन आपको डरने की बात नहीं, मैंने बहुत लोग को सुना है कि बोलते हैं मेरा पीसी बीच बीच में बंद हो जाता है, तो या तो हो सकता है कि पीएसयू को डिटेक्ट हो रहा हो कि पावर ख़राब है, तो वो बंद कर देता हो सेफ्टी के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप ट्रबल शूटिंग करते हो। तो अगर कुछ भी पावर में थोड़ी सी भी खराबी दिखेगी, लूज़ दिखेगी, तो ये जो पीएसयू पावर को कट कर देगा, तो आप फिर बाद में ट्रबल शूट कर सकते हो कि भाई पावर में कहाँ इशू आ रही है, कौन से लेवल पर आ रही है, फिर आप उसको ठीक कर सकते हो। इसमें अगर कुछ भी करंट होता है, ओवर वोल्ट होता है या कम वोल्टेज आता है, तो ये उस सभी चीज़ को हैंडल कर लेगा। जब आप अच्छा पीएसयू लेते हो तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे लाइट चले जाए या कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। और अभी तक तो फिलहाल एक महीने के यूसेज में कोई इश्यूज नहीं आए, गेमिंग की है घंटों तक की है, और लोड भी इस पर बहुत पड़ा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि बंद हो गया या परफॉर्मेंस मेरी कम होने लगी, दो घंटा गेमिंग कर ली तो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, हैंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी
करंट के मामले में तो ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले कि हाँ 2 घंटे गेमिंग के बाद 450 वॉट है तो परफॉर्मेंस कम हो गए। 450 वॉट भी अभी भी बहुत इनफ है। और क्यों इनफ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PSU कैलकुलेटर का लिंक दे रहा हूँ, कूलर मास्टर का भी दे रहा हूँ, और एक और विजन नाम की वेबसाइट है उसका भी लिंक दे रहा हूँ। आप दोनों ही यूज़ कर लो और आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ दी बिल्ड्स के लिए जो भी 30-35-40 हज़ार का बिल्ड है आपको 450 वॉट के से ऊपर की PSU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ 550 अगर ले सकते हो तो ले लो, लेकिन 450 वॉट इनफ है। और 450 वॉट की अगर मैं बात करूँ तो 2060 सुपर तक 450 वॉट ईजिली चला सकता है, और राइजन के सब 65 वॉट वाले CPU इंटेल के सब चल जाएंगे 450 वॉट PSU में आराम से, कुछ इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगर आप 2060 सुपर अभी करंटली जो PC बिल्ड कर रहे हो उसमें लेने वाले हो तो भाई आप क्यों जाओगे 450 के साथ में, आप 550 के साथ में ही जाओ। लेकिन अगर आप बाद में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपको ये नहीं कि PSU फेंकना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा या किसी को सेल करके नया लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो। 450 है, टेंशन फ्री होकर 1660 सुपर 1650 लगाओ, 1660 Ti लगाओ। इसमें आपको साइलेंट मोड भी मिल जाता है, और लेकिन वैसे भी ये जो PSU है कूलर मास्टर का, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा साइलेंट है। फ़ैन HBD बेयरिंग के साथ आता है, और जो इसका एक फीचर है साइलेंट मोड के, अंडर 50 वॉट का पावर ड्रॉ में जो PSU का फ़ैन है वो स्विच्ड ऑफ रहेगा, यानी स्पिन नहीं करने वाला। वारंटी की बात करूँ तो ये जो PSU आता है बॉक्स पे लिखा है 3 ईयर्स वारंटी, लेकिन हमें एक्चुअल में 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, और मैंने खुद कंफर्म किया है कि 5 साल की वारंटी है। लेकिन आप प्रोडक्ट को है वो रजिस्टर्ड करा के रखो, वरना फिर अगर आपको 3 साल की मिले तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन रजिस्टर्ड कराओगे तो 5 साल की तो आराम से यहाँ पे कंफर्म है, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। 5 साल तो बहुत होता है भाई, और अगर RMA में ऐसा होता है अगर उनके पास 450 वॉट नहीं है तो वो 550 दे देंगे, 550 नहीं है तो 650 दे देंगे, तो ऐसा बहुत बार भी होता है। ये सब जो चीज़ें ये लोकल के साथ नहीं मिलती, लोकल आईबॉल के हो गए, ज़ेब्रॉनिक्स के हो गए, सर्कल के हो गए 800 रुपये वाला 400 वॉट, वो सब बेकार है, घटिया PSU है। मैं बोल रहा हूँ 15,000 का भी PC बिल्ड कर रहे हो, जो PSU है उसमें कंजूसी मत करो। और ये जो PSU है ये आता है 40 डिग्री सेल्सियस का मैक्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी ये 40 डिग्री सेल्सियस तक आराम से झेल लेगा। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक का है, और मैंने आपको बोला था याद हुआ कि कॉर्सर से क्यों ये बेटर है, एनटेक से क्यों ये बेटर है, तो ये कॉर्सर से इसलिए बेटर है क्योंकि कॉर्सर का जो PSU है वो मैक्स 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस तक है, एग्जैक्ट याद नहीं आया, लेकिन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद इसके जो पावर प्रोटेक्शंस है और ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शंस है, OTP ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, वो एनेबल हो जाएंगे, तो आपका PSU बार बार PC को शटडाउन तो नहीं मतलब पावर काटने लगेगा। तो अब इससे क्या होगा कि मैंने बहुत लोग को ये भी सुनते हुए देखा है कि आपका जो PSU है वो यूज़ करते करते बंद हो रहा है, और ये सब ज़्यादातर मैंने कॉर्सर वालों के मुँह से ही सुना है कि मेरा PC बंद हो जा रहा है यूज़ करते करते। तो PSU में भी कुछ टेम्परेचर प्रोडक्शन होता है, और अगर आप कॉर्सर का यूज़ कर रहे हो तो समझ लो वही अनेबल हो चुका है, क्योंकि 30 डिग्री या 35 डिग्री से वो ज़्यादा नहीं झेल सकता, और गया तो फिर PC अपने आप पावर कट होती रहेगी इसमें। तो ये जो कॉर्सर का VS है अगर आप इसको इंडिया में यूज़ करोगे तो इसका तो मैक्सिमम सिर्फ टेम्परेचर 30 डिग्री है या 35 है, तो इसके बाद तो फिर ख़राब हो। और अगर आप इसको फुल टेम्परेचर पे यूज़ करते रहोगे, और इंडिया में तो गर्मी का आपको पता ही है क्या है, तो क्या होगा कि PSU बहुत जल्दी ख़राब होगा। लेकिन कूलर मास्टर का जो मास्टर वॉट एलीट है 450 वॉट या 550 या 650 सबके लिए अप्लाई होता है, इसकी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है कूलर मास्टर वालों ने, मेरे को तो ये अच्छा लगा कि जो बेस वेरियंट है उसमें भी 450 वॉट में भी आपको जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो इस PSU का 40 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है। तो ना गर्म एम्बियंट टेम्परेचर तो वैसे ही आपका 35 डिग्री तक रहेगा, लेकिन PSU पे भी और लोड पड़ता है ना, तो ये उसको आराम से झेल लेगा। और मैंने बहुत रेयरली सुना है कूलर मास्टर का RMA यूनिट बिकता हुआ, लेकिन कॉर्सर का ही मैंने देखा है, बहुत देखा है कंपेरिजन टू कूलर मास्टर। तो कूलर मास्टर का इसलिए मैंने लिया क्योंकि मैंने इसके स्पेसिफिकेशन में देखा था कि इसकी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक है। तो आप कभी भी कोई भी PSU ले रहे हो वो लो जिसमें आपको ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाते हैं वो ज़्यादा हो, क्योंकि उससे उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। अब कॉर्सर मैंने क्यों मना किया, ऐसा नहीं कि वो PSU घटिया है या बेकार होगा,
ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से वो प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं था उसमें। हम लोग जो PSU उसको इम्पोर्ट करें, लेकिन कूलर मास्टर का मतलब इतना उन लोग का दिमाग है कि उनने जो टेम्परेचर्स है उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक रखा ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स। तो जो इनके लाइफ है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो यहाँ पे कॉर्सर से और एंटेक से दोनों से ज़्यादा, क्योंकि एंटेक का भी यहाँ पे 35 डिग्री या 30 डिग्री है। एक PSU तो मैंने देखा है जिसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर ही 25 डिग्री सेल्सियस है, वो शायद कॉर्सर था, पता नहीं कौन था भाई, 25 30 35, मैंने ऐसे देखे 2-3 मॉडल्स, एंटेक का भी था उसमें इंक्लूडेड। तो 30 डिग्री सेल्सियस PSU में क्या करोगे आप इंडियन क्लाइमेट में, RMA ही कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो PSU है ये कॉर्सर और एंटेक से बेटर है। और बात करूँ लोकल की, तो लोकल PSUs आपको इसलिए लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आपको फ़ीचर्स अभी बताए, ये जो पूरा आपने रिव्यू देखा, ये कितना हो गया 15-20 मिनट का, ये जो आपने देखा, इसमें आपने जो भी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ़ें सुने इतने अच्छे PSU की, तो वो इसलिए सुने क्योंकि ये आपको लोकल में बिल्कुल नहीं मिलने वाला। लोकल PSU ले लोगे तो प्रोडक्ट जल्द शॉर्ट भी हो सकता है, ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। घर की पावर सप्लाई में कोई डिले प्रॉब्लम हो या घर के वोल्टेज में कोई भी इशू आ गया थोड़ी देर के लिए, तो PSU ख़राब हो सकता है। PSU का 2-3 कंप्यूटर को और भी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए एक अच्छा PSU होना ज़रूरी है, चाहे आपके पास पुराना PC क्यों ना हो, 3-4 साल। एक 450 वॉट कूलर मास्टर का लेने में क्या जाता है, 2400-2500 का आता है नॉर्मल प्राइस में। मैं इसके लॉकडाउन वाले इंक्रीज प्राइस पे इसका रिव्यू नहीं कर रहा, मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ इसके ओरिजिनल प्राइस पे 2400 का। और ऐसा नहीं कि अगर ये PSU महंगा है तो आप दूसरे ब्रांड का ले लो, ये PSU फ़िलहाल इसके इंक्रीज प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप और इसका जो रिव्यू है वो भी इसका नॉर्मल प्राइस के ऊपर ही बेस्ड है, तो बाद में जैसे ही प्राइस कम होता है आप ले लो, लेकिन 2700-2800 में अगर आपको मिलता है तो भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। क्योंकि अब ये कितना लंबा चलेगा इंक्रीज प्राइस वाला समय, ये किसी को नहीं पता, और अब इसके बाद भी इंक्रीज़ होगा वो नहीं होगा कि वो अभी भी नहीं पता। सब चीज़ें जो रैम है वो तो पैसे 1000 रुपये इंक्रीज्ड है, और जो अपना SSD है वो भी 1000 था, लेकिन अब धीरे धीरे 500 रुपये का इंक्रीज चल रहा है उस पर भी। तो अभी तो सब जो CPUs है वो भी इंक्रीज है, जो राइजन 3300X है उसका भी प्राइस 1-2 हज़ार 1-1.5 हज़ार और बढ़ चुका है। तो इसलिए ये अब आपको अगर अभी ज़रूरत है तो स्किप मत करो, ले लो PSU, इतना ज़्यादा वो मत करो कि वेट कर लेते। और लोकल PSU में तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर तो भूल ही जाओ, वो तो उसका तो कुछ गारंटी भी नहीं है, वो तो वैसे ही जल्दी ख़राब, हालांकि रैली होता है ख़राब, लेकिन फिर भी क्यों आपको अपने PC को एक अच्छा PSU नहीं देना है। तो ये तो था इसका रिव्यू कूलर मास्टर का, आपने अनबॉक्सिंग भी देख ली और वीडियो लंबा हो गया, लेकिन देखी है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी मैंने फीचर्स बताए ये आपको लोकल में नहीं मिलने वाले, इसलिए एक ब्रांडेड PSU लेना बहुत अच्छी बात होती है, जिसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स बहुत ही सही हो, 40 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए इंडिया में, और इंडिया में ही आप PC को बिल्ड कर रहे हो तो 40 डिग्री सेल्सियस वाला तो PSU लो, चाहे 550 में लो, चाहे 650 में लो, चाहे 450 में, तो भाई कूलर मास्टर ही लो, कॉर्सर का लेके कोई फ़ायदा नहीं है। एनटेक का लेके भी अगर ले रहे हो तो भाई कोई भी PSU ले रहे हो, एक बार ऑपरेटिंग टेम्परेचर देख लो, 30 डिग्री सेल्सियस है बिल्कुल मत लेना, 35 डिग्री सेल्सियस है उसको आप कंसीडर कर सकते हो एक टाइम के लिए, लेकिन अगर 40 डिग्री सेल्सियस आपको सेम प्राइस या 200-300 रुपये ज़्यादा भी मिल रहा है तो 200-300 रुपये ज़्यादा डाल के वही ले लो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, और मन में कोई डाउट अभी भी रह गए हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका रिप्लाई बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ का लिंक है, वहाँ से लोगे तो चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।